हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल योर होटल स्टेप्स। आज हम जिस मंदिर में आए हुए हैं ना, उस मंदिर का नाम है भूखी माता टेम्पल। ये मंदिर उज्जैन के बाहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस मंदिर की खास बात यह है, यहाँ पे दो बहनें हैं, जिन एक बहन का नाम है भूखी माता और एक है भूमावती। तो बड़ी बात यह है कि इस मंदिर का नाम भूखी माता मंदिर ही क्यों, टेम्पल क्यों, इस माता रानी का नाम ऐसा ही क्यों, क्योंकि इस मंदिर में आज भी पशु बलि देने की प्रथा है। यहाँ पे बकरे की बलि चलती है जो कि स्वीकार होती है। सो इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था, जो कि उस टाइम पे एक प्रथा चलती थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, भूखी माता को इंसान की बलि चढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंसान की बलि की प्रथा वो ख़त्म कैसे हुई थी। तो विक्रमादित्य जो राजा जी राजा थे यहाँ के, तो वो किसी दिन एक बुजुर्ग के घर में रुके हुए थे, किसी बूढ़ी महिला के घर में रुके हुए थे। तो वो रो रही थी कि मेरे बेटे की बलि चढ़ाई जाएगी। तो विक्रमादित्य जी ने उन्हें वचन दिया था कि आपके बेटे की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, जब भी अगर उनके बेटे की बलि चढ़ाई जाएगी तो मैं उसके नीचे आके लेट जाऊँगा, मैं अपनी बलि चढ़ा दूँगा। तो इस वजह से विक्रमादित्य जी, जब भूखी माता की बलि का दिन आया उनको लेने का, तो उन्होंने मिठाई का पुतला बनवा के अपने ऊपर लेटा दिया मिठाई का पुतला, खुद नीचे लेट गए। जब माता रानी आई उसे खा रख के चली गई, तो उन्होंने कि मिठाई का पुतला यहाँ कैसे आया, तो वो उठ रहे कि मैंने रखा है। तो माता रानी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो विक्रमादित्य ने जिन्हें मांगा कि आप शहर के अंदर मत आओ, बाहर इसी नदी के तट पर अपना आपको मंदिर में निर्माण करवा दूँगा। भगपति के दरबार में भंडारा चल रहा है, करा रहा होगा कुछ। चलो चलते हैं, देर करे बगैर, क्योंकि देर ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। ये मंदिर की ये खासियत है कि कुछ भी दिन खाली नहीं रहता। अच्छा, माता का मंदिर कोई से दिन खाली नहीं रहता। और कोई महीने चौबीस घड़ी कभी भी आ जाओ। अच्छा जी, और कोई खासियत, यहाँ बलि भी दी जाती है बकरे की? बकरे की बलि दी जाती है रोज के, तो लिया चौबीस घंटे की। अच्छा जी, तो जैसा आपने सुना कि मंदिर किसी भी टाइम पे खाली नहीं रहता है, भैया बता रहे हैं कि रात को 12 बजे पुलिस वाले आते हैं तो वो भगाते हैं यहाँ से भीड़, पब्लिक वो भगाते हैं, जो वरना ये टाइम कोई भी टाइम मंदिर खाली नहीं रहता। तो अब हम जा रहे हैं गढ़काली का टेम्पल, जहाँ पे काली माता की जीभ गिरी हुई है, वो भी उज्जैन का बड़ा फेमस मंदिर है, बहुत सिद्धपीठ माता रानी बैठी है वहाँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं वो कैसा है, वहाँ जाके देखते हैं। गढ़काली का माता मंदिर, यहाँ पर जीप है, यहाँ पर जबान है जीप 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 है यहाँ। सो गाइस, नाउ वी आर इन गढ़काली का टेम्पल। तो ये है मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। अगर हम इसके इतिहास की बात करें ना, तो इसका इतिहास, जो मंदिर का इतिहास है, वो महाभारत काल से भी पुराना है। और अगर माता रानी के सिद्धपीठ प्रतिमा की बात करें जो अंदर है, वो तो सतयुग से है। सो हम सोच भी नहीं सकते ये कितना पुराना टेम्पल है, इसका इतिहास कितना पुराना है, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। माता रानी की प्रतिमा आप देख सकते हो कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी नथ पहन रखी है माता रानी ने,
जी हार है माता रानी के सर पे तीसरी आंख बनी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर माँ का रूप आ रहा है, इतनी बड़ी रन्नत। हम इसी दर्शन को हम प्राप्त हो गए, हमारा धन्य हो गए हम। लोगों ने यहाँ पे मंदिर की दीवारों पे अपना अपना नाम, जो जो उनकी प्रार्थनाएँ इच्छाएँ हैं वो लिख रखी है, और यहाँ पे मंदिर परिषद में इन्होंने लिख रखा मंदिर की दीवारों पर मत। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट में जय भोलेनाथ की जय माता दी जरूर लिखना। अगली वीडियो को हम सबको इंतजार है, जो कि महाकाल के दयानाथ काल भैरव की होगी, जिसके वजह से भाई उज्जैन के जो सबसे फेमस हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।